भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 39 सीटों पर अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजकुमार मेव का नाम घोषित किया है। खरगोन जिले के महेश्वर में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मेव का नाम घोषित होते ही मंडलेश्वर में घर घर दस्तक दी। नाम घोषित होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राजकुमार मेव ने केंद्रीय नेतृत्व एवं सीएम शिवराज सिंह का आभार माना है। राजकुमार पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं पार्टी की ओर से भूपेंद्र आर्य भाजपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, जो कि कांग्रेस के सामने चुनाव हार गए थे। राजकुमार मेव ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता को गिनाएंगे, वहीं केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी जनता को बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। बस हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि उनके 5 साल के भ्रष्टाचारों को उजागर करना और उनका पिछले है जो शासन था 10 सालों का और 1.5 वर्षों का उस समय हुए भ्रष्टाचारों को उजागर करना, यही हमारा प्रथम कार्य रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।